हेलो एवरीवन, बेटा हम सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, जिसमें लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एंटरप्रेन्योर का जो डिस्कशन था वो स्टार्ट करा था। आपको पता है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं। भैया कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल का काम हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं और एंटरप्रेन्योर पे डिस्कशन हमने स्टार्ट किया हुआ था। कितने बच्चों ने 11th 12th में एंटरप्रेन्योर बहुत सुना है लेकिन कितनों को एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता? थोड़ा बहुत पता होता है। वो क्या होता है भैया? एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो रिस्क लेता है, जो रिस्क टेकर होता है, जो एक नया इनोवेशन करता है, जो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, जो बाकी तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके अरेंज करके यूज़ करेगा और गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। ऑलमोस्ट यही क्या है, एंटरप्रेन्योर है। हमने कल एंटरप्रेन्योर के मीनिंग, प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल और उसके अलावा एंटरप्रेन्योर के फीचर क्या हैं वो पढ़े थे। इन शॉर्ट एंटरप्रेन्योर एक ऐसे पर्सन है जो रिस्क टेकर होगा, जो बाकी तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज करेगा, जो खुद एंटरप्राइज बनाएगा, जो रिस्क लेगा, रिस्क का रिवार्ड ही उसे प्रॉफिट मिलता है, बाकी सबको तो एक फिक्स अमाउंट मिलना ही मिलना होता है। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट तभी मिलेगा जब वो क्या लेगा, रिस्क। मीनिंग और फीचर्स हमने कर लिए थे। फीचर्स में हमने ये देखा था कि वो नए नए इनोवेशन, एक उसका मेन काम क्या है, इनोवेशन लेना, नए नए मेथड खोजना, वही एंटरप्रेन्योर बन सकता है। कल बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस करे थे, ओया, ओबर और उसके अलावा ओला। ये सारे लोग जिन्होंने ये कंपनी डेवलप करी है वो सारे लोग क्या है, एंटरप्रेन्योर है। उन्होंने इनोवेशन करा है, कुछ नई चीज़ ली है, उन्होंने रिस्क भी लिया था। तो एक एंटरप्रेन्योर का फीचर क्या भी होता है, रिस्क और अनसर्टेनिटी। और एक और पॉइंट जो मैंने आपको बेटा समझाया था रिस्क और अनसर्टेनिटी के अलावा, वो बेटा मैंने आपको क्या समझाया था, वो मैंने आपको समझाया था इनिशिएट इंटरप्राइज एंड कोऑर्डिनेट रिमेनिंग रिसोर्सेज। वो इंटरप्राइज को क्रिएट करेगा इन सारी चीज़ों को अरेंज करके, लैंड, लेबर, कैपिटल सबको अरेंज करके, फैक्ट्री सेटअप करना, गुड्स प्रोड्यूस करना, स्टार्ट करना। तो वो एंटरप्राइज को इनिशिएट करेगा और रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करेगा। इन फीचर्स को हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझ लिया था। अब जल्दी से आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके भैया, तो ये देखो हमने ये तीन फीचर्स जो कल पढ़े थे ये आपके सामने, कि इनिशिएट करता है बिजनेस इंटरप्राइज को, रिसोर्स कोऑर्डिनेशन, रिस्क बियरिंग होता है और उसके अलावा एक और पॉइंट, इनोवेशन भी वही करता है। ये सारी बातें हमारी हो गई थी। अब आते हैं इंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव के ऊपर, कि जो ये एंटरप्रेन्योर है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव्स करने हैं और एक कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब जो प्रॉब्लम, जो लिमिटेशन फेस करनी पड़ती है। हमने बहुत बातें तो कर ली कि एंटरप्रेन्योर अगर कोई बन गया और वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाएगा तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, लेकिन बेटा उसके लिए जो उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आज वो समझाएंगे। कॉन्स्टेंट से पहले हमें क्या समझाने हैं, ऑब्जेक्टिव। तो वो ऑब्जेक्टिव समझाना बेटा मैं अभी आपको स्टार्ट करता हूँ कि एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। ठीक है बेटा वासु, आपको मैं आपका प्रॉब्लम बता दूंगा कि बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या फ़र्क है बता देंगे। ठीक है, फिलहाल इंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव क्या है, इन ऑब्जेक्टिव को समझाने के लिए ना मुझे एक कंसेप्ट याद आता है, 12th class BSc सब बच्चों ने पढ़ी होगी, तभी आप सारे बच्चे कहाँ आए हो, सीए फाउंडेशन में आए हो। हाँ भैया पढ़ी है 12th class BSc में। चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस भी आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने एक टॉपिक भी पढ़ा होगा कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो जिसमें आपने 3 ऑब्जेक्टिव पढ़े होंगे, भैया कुछ याद आ रहा है धुंधला, मैं याद करवा देता हूँ। एक ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ा होगा कि कुछ ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। बेटा वही टॉपिक द्वारा यहाँ पे लिखा गया है, इस बात को याद रखना। थोड़ी बातें और ऐड कर दी लेकिन ये मैं बता दूँ, इंटरप्राइज मतलब एंटरप्रेन्योर के ऑब्जेक्टिव वही तो होंगे जो कहीं ना कहीं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हैं। तो बेटा ये तीनों तो एज इट इज़ लिंक करने ही करने हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है ये इन दोनों में डिवाइड हो गया, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमिक में। सोशल को तो नाम ही क्या दे रखा है बेटो, सोशल ऑब्जेक्टिव, और ह्यूमन को भी क्या नाम, मतलब पर्सनल का नाम चेंज क्या कर दिया, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। मैं ये समझाना चाहता हूँ बेटा ये सेम टू सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि आप सब ना लिंक कर सकते हो, आपने वो समझा हुआ है, मैं पूरा समझाऊंगा लेकिन मैं बता दूँ ये वही है। और नेशनल ऑब्जेक्टिव थोड़े बहुत अलग दे रखे हैं
जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। तो बेटा एक एक करके जल्दी से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव इसमें अलग अलग दे रखे हैं। सबसे पहले आप मेरी बात समझना बेटा, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव या ये जो 12th क्लास में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, वही एक इंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव होंगे इसमें ऑर्गेनिक और इकोनॉमिक में। हर एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस से क्या चाहिए, हमारी क्या डिज़ायर है, अगर हम बिजनेस को रन करते हैं हमारा क्या ऑब्जेक्टिव क्या है। हर एक बच्चे को वो पता होता है कि हर एक बिजनेसमैन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, वही यहाँ पे लिखे हुए आपको मिलेंगे जो एक कॉमन बिजनेसमैन के ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ज़रा बेटा ध्यान से सुनना कौन कौन से तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो मैं आपको तीन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जल्दी से बता दूं कि तीन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान से सुनना बेटा, एक ऑब्जेक्टिव तो क्या होता है बिजनेसमैन का कि सबसे पहले उसे क्या करना है, सर्वाइव। सबसे पहले तो जब भी कोई नया बिजनेस शुरू करेगा तो वो क्या चाहेगा, बस यार किसी तरीके से सर्वाइवल हो जाए, किसी तरीके से आज जितने भी खर्चे हैं ना, रेंट निकल जाए फैक्ट्री का, लेबर की वेजेस एंड सैलरी निकल जाए, उधार पे पैसा ले रखा है उसका इंटरेस्ट दे पाऊँ, मुझे प्रॉफिट हो ना हो भाड़ में जाए, बस सर्वाइवल हो। हाँ भैया यही चाहिए होता है। फिर दूसरी चीज़ क्या चाहिए होती है कि सर्वाइवल के बाद क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। क्योंकि आप इतनी मेहनत ही क्यों कर रहे हो, आप इतनी चीज़ों को क्यों मैनेज कर रहे हो, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, सर में क्यों दर्द करवा रहे हो, जिससे कि प्रॉफिट हो सके। और थर्ड चीज़ आप क्या मांगते हो, जब एक दो साल प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है ना तो ये ह्यूमन बिहेवियर है, यार प्रॉफिट तो हो गया अब और कुछ अच्छा बड़ा अचीव करना है तो हमें क्या चाहिए होती है, ग्रोथ। बेटा मानो या मानो यही तीनों पॉइंट इसमें और डीप में लिखे हुए हैं, और कुछ नहीं लिखा हुआ इसमें ऑर्गेनिक और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट पे और ज़्यादा डीप में डिस्कशन है कि इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट का मतलब क्या है। ये वो वाला प्रॉफिट नहीं है जो अकाउंट्स में पढ़ते हो अकाउंटिंग, ये इकोनॉमिक प्रॉफिट है। हम डिस्कस करेंगे कि एक प्रॉफिट कौन सा होता है अकाउंट्स का और एक प्रॉफिट कौन सा होता है इकोनॉमिक्स का, तो उसे हम इकोनॉमिक प्रॉफिट कहते हैं। यहाँ पे जो प्रॉफिट वर्ड यूज़ हुआ वो इकोनॉमिक हुआ है, कैसे वो मैं समझा दूंगा। बेटा ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव में तो इन दो के बारे में डिस्कशन है, सर्वाइवल और ग्रोथ के बारे में, और इकोनॉमिक में किसके बारे में डिस्कशन है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट को भी बहुत ज़्यादा डीप में कि प्रॉफिट दो तरह के होते हैं, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक, और यहाँ पे जो डिस्कशन है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट का होगा जो मैं अच्छे से अभी डिस्कस करा दूँगा। और फिर ये तीन ऑब्जेक्टिव अभी डीप में एक एक पढ़ेंगे, सोशल, ह्यूमन और नेशनल। इन पे तो छोटी छोटी तीन तीन चार चार लाइनें लिखी हुई है और कुछ नहीं, इन पे बहुत ही कम कंसेप्ट लिखा गया है, तीन तीन चार चार लाइनों का। तो ऐसे करते हैं, पहले जो ये चार छोटे छोटे पॉइंट है ना, इकोनॉमिक पे काफ़ी डिस्कशन दे रखा है, पहले उन चार छोटे छोटे पॉइंट को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इकोनॉमिक पे हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला कौन सा है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में खाली इतना लिखा हुआ होगा कि एक एंटरप्रेन्योर को क्या करना होता है जब भी वो बिजनेस स्टार्ट करेगा, भाई किसी तरीके से सर्वाइवल हो, टेंशन सर दर्दी ख़त्म हो, भाई जितना खर्चा हो रहा है ना रेंट का, वेजेस सैलरीज का, इंटरेस्ट का, बस वो निकल जाए, वो है सर्वाइवल। और जब ये हो जाए तो फिर मुझे ग्रोथ चाहिए। बेटा अगर आप सर्वाइवल नहीं करोगे तो क्या आपको कोई पैसा उधार पे दे देगा, क्या सप्लायर से गुड्स उधार पे मिल जाएंगे आपको, क्या आपकी क्रेडिबिलिटी बन पाएगी, क्या आपसे कोई डीलिंग करना चाहेगा, क्या आपके यहाँ एम्प्लॉय कोई काम करना चाहेगा, भैया नहीं कोई नहीं करेगा। इसीलिए हर एक को सर्वाइवल तो करना ही है और क्या भी करना है, ग्रोथ। तो इन चीज़ों को मैं शॉर्ट में जो मेन मेन चीज़ें पढ़ा देता हूँ, बाकी आप एक बार रीड कर लोगे। द बेसिक मिनिमम ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल काइंड ऑफ एंटरप्राइज इज टू सर्वाइव और टू स्टे अलाइव। हाँ भैया, एक एंटरप्राइज तभी सर्वाइव कर सकती है अगर वो गुड्स प्रोड्यूस करे और डिस्ट्रीब्यूट करे ऐसे प्राइस पे जिससे कि उसकी क्या कवर हो जाए, कॉस्ट। सिंपल सी बात है यार, जितना खर्चा हो रहा है उतनी कमाई करो ना, सर्वाइवल हो जाएगा। अगर आप अपनी कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहे हो तो आप इस पोजीशन में ही नहीं होंगे कि आप अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट दे सको, आप अपने सप्लायर और एम्प्लॉयर को पेमेंट दे सको, आप बैंकक्रप्ट हो जाओगे। सिंपल बातें हैं यार, अगर पेमेंट नहीं करोगे तो बैंकक्रप्ट ही होंगे। देयरफॉर सर्वाइवल तो बहुत ज़रूरी है अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो। और एक बार आप सर्वाइव कर लोगे तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। भैया ये तो वही लिखा जो आपने समझाया, वही तो कह रहा हूँ, जो मैंने डिस्कस करा उसी थ्योरी में लिखा हुआ है, ठीक है बेटा।
ग्रोथ एंड ऑब्जेक्टिव की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है जैसे जैसे आप प्रोफेशनल मैनेजर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखते हो। तो यहाँ पे यहाँ पे सारा का सारा फिर डिस्कशन किसके ऊपर है, ग्रोथ के ऊपर। इसे अभी हम डिस्कस करेंगे, मैंने इतना आपको समझा दिया, इसे अभी एक सेकंड के लिए पेंडिंग रखो, मैं आराम से समझाऊंगा, इस पे डिस्कशन नहीं हो। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में शुरू में प्रॉफिट की बात लिखी हुई है, लेकिन इकोनॉमिक पे काफ़ी सब कुछ है, मैं अभी आराम से उसे डिस्कस करूँगा कि इकोनॉमिक में ये सब कुछ भैया क्या लिख दिया आराम से, मैंने क्या कहा था, इसको भी अभी पेंडिंग में रखते हैं। तो इकोनॉमिक में क्या लिखा हुआ है बताऊंगा, ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट हो गया है, बाकी मैंने क्या कहा, छोटे छोटे ख़त्म करो, एक ना तसल्ली मिलती है कि पांच में से चार पॉइंट ख़त्म, फिर एक भी हो जाएगा, तो पहले छोटे छोटे ख़त्म कर लो बेटा, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का तरीका है, पेपर में भी ऐसे किया करो। बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ आपको, अगर पाँच क्वेश्चन है जिसमें से तीन और चार तो आपको बहुत अच्छे से आते हैं ना, पहले वो खेल दो, वो कर दो क्वेश्चन को, तो मज़ा आ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा चला जाएगा कि चार तो हो गए फिफ्थ भी कर लेते हैं। बेटा ये सच्चाई है, ये ट्रिक है, ह्यूमन बिहेवियर है कि जो पहले आता है उसे कर दो, ह्यूमन आप मोटिवेट फील होंगे तो लास्ट वाला क्वेश्चन भी आप इजीली कर पाओगे, और बाय चांस आपने पहले वो क्वेश्चन करने की कोशिश कर ली जो नहीं आता था, आधा एक घंटा लगा दिया ना क्वेश्चन हुआ, मोटिवेशन लेवल ख़त्म, घबरा जाओगे यार ये क्वेश्चन भी नहीं हुआ तो बाकी भी याद नहीं आ पाएगा, याद रखना इस बात को। बाकी मैं किसी एक दिन प्रॉपर इस चीज़ पे आपका लेक्चर लूँगा, पॉइंट टू बी रिमेंबर्स वाइल गिविंग योर सी ए एग्जामिनेशन, बहुत बातें सोचनी होती है बेटा, हम वो एक अलग से लेक्चर में कवर करेंगे। फिलहाल मैं जो था, बाकी तीन छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव, सोशल, ह्यूमन और नेशनल, आपसे पूछता रहूँगा, ये तो बच्चों वाली चीज़ है, बच्चों वाली, एक सेकंड में आप बता दोगे मुझे, हाँ भैया हम तो एक सेकंड में बता देंगे, हाँ हाँ बताते क्यों नहीं, रुको ना, फिर रुको बताओ, फिर पहले मुझे ये बताओ, हम सोशल ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब है सोसाइटी के आपसे क्या डिज़ायर होंगे, सोसाइटी के आपसे क्या डिज़ायर होंगे हमें वो पढ़ना है, सोशल ऑब्जेक्टिव। बेटा मैं आपसे जो पूछता रहूँगा आपको हाँ या ना बताना है, क्या आप सोसाइटी ये चाहेगी कि आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दो हमेशा उन्हें, क्या सोसाइटी ये चाहेगी कि आप उन्हें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दो हमेशा, तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ कोर्स, हाँ जी भैया आप वो यही चाहेगी, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस मिल जाए, हाँ भैया वो यही चाहेगी कि सही गुड्स मिल जाए और कम प्राइस में मिल जाए, ठीक है। बेटा सोशल ऑब्जेक्टिव में बस ये बताना है कि जिस सोसाइटी में आप पले बढ़े, जिस सोसाइटी से इनपुट लेते हो, जिस सोसाइटी को आउटपुट भेजते हो, तो उनकी भी तो कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन होगी, तो छोटी छोटी एक्सपेक्टेशन है यार, सही गुड्स और सर्विसेज दे दो, वो भी कम प्राइस पे दे दो, ठीक है। और क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर दो उनके लिए, हाँ बिल्कुल भैया, उनके लिए क्या जनरेट करनी चाहिए हमें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी चाहिए बेसिकली डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए, किसके लिए, बेसिकली डिसएडवांटेज सेक्शन, जो बैकवर्ड सेक्शन है, जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे कि हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, तो उनके लिए क्या जनरेट करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। अच्छा कौन से मेथड की, कौन से मेथड को यूज़ करना चाहिए, जिससे पोल्यूशन हो या जिससे पोल्यूशन ना हो, ऑफकोर्स भैया इको फ्रेंडली मेथड ना, ये छोटी छोटी बातें बता रही हूँ कि हम भैया ट्वेल्थ क्लास में पढ़ के आ गए हैं, बेटा पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो बुरा ना मानो। तो ये सारी बातें, सोसाइटी को सही गुड्स दो कम प्राइस पे दो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करो, और कुछ बेसिक सर्विसेज भी दे दो, लाइक स्कूल्स हॉस्पिटल्स की सर्विसेज प्रोवाइड करो। अगर आप बहुत बड़े इंटरप्राइज हो, अगर अंबानी जी इतने बड़े बने तो समझो कहाँ से बने, सोसाइटी से ही तो इनपुट लिया, एक बंदे से गुड्स खरीदा, एक बंदे को माल बेचा और प्रॉफिट कमा के इतने बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए, तो बेटा फिर सोसाइटी को वापसी दो ना, जो सोसाइटी का पैसा कमाया है, तो उनके लिए स्कूल्स और हॉस्पिटल्स डेवलप कर दो, काम खत्म। ये सारी बातें थोड़ा सा इसे सजा के मेकअप के साथ लिख दो अच्छी लाइनों का यूज़ करके, तो सोशल ऑब्जेक्टिव बुक के ख़त्म हो जाएंगे। भैया दिखाना यही लिखा है, क्यों नहीं बेटा लो एक सेकेंड रुको, ये लो सोशल ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव में यहाँ क्या क्या बातें हैं। टू मेंटेन ए कॉन्टीन्यूस एंड सफिशेंट सप्लाई ऑफ अनअडल्टेड गुड्स एंड आर्टिकल्स ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, वही गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दो रीजनेबल प्राइस पे।
टू अवॉइड प्रॉफिटिंग एंड एंटी सोशल प्रैक्टिस. ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश जरूरत नहीं है. रीजनेबल प्राइस पे गुड्स देना और एंटी सोशल प्रैक्टिस, ऐसे प्रैक्टिस ना करना जिससे सोसाइटी को नुकसान हो. फिर क्या क्रिएट करो, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो जिससे कि क्या जनरेट हो जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए. ऐसे तरीके से गुड्स बनाना जिससे कि पोल्यूशन क्रिएट ना हो, मतलब इको फ्रेंडली मेथड यूज़ करो. तो देखो बेटा, वही बातें हैं जो आपने पढ़ी हुई है 12th क्लास में, उनको थोड़ा सा एक्टिव से पैसिव फॉर्म में लिख दिया, थोड़ा सा लाइन चेंज कर दी, तो भैया हमें सोशल समझ में आ गए. अच्छा, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव. अब बेटा मैं आपसे मांगूंगा आंसर, अब तो आप दोगे आंसर. आप बताओ बेटा, एक एम्प्लॉई के भी तो कुछ डिज़ायर होते होंगे, कुछ मन की फीलिंग होती होगी कि मैं इस कंपनी में काम करूँगा तो मेरे भी ये डिज़ायर हैं. तो उस एम्प्लॉई को क्या चाहिए होता है, वो सारे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे. एम्प्लॉयज़ के क्या ऑब्जेक्टिव होते होंगे, उन्होंने वहाँ से ह्यूमन ऑब्जेक्टिव लिख दिया. बताओ बेटा, आज एक एम्प्लॉय के क्या ऑब्जेक्टिव होते होंगे, उसकी मन में क्या होता होगा जब वो किसी कंपनी में काम करता होगा. बोलो बोलो, वरना मैं बताऊँगा किसी का आंसर. बेटा अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके कुछ डिज़ायर होंगे, कुछ वॉन्ट्स होंगे. चलो पता नहीं क्यों, या तो आंसर आप भेज नहीं रहे हो या नहीं रहे, मैं ही बता देता हूँ कि क्या चाहिए एक एम्प्लॉय को. बेटा सबसे पहले क्या, पैसा. पैसा मतलब कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी सैलरी चाहिए, है ना, कॉम्पिटिटिव सैलरी चाहिए. आपको क्या मिलनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव सैलरी. आप उसे कॉम्पिटिटिव सैलरी दो, ठीक है. आप उसको ग्रोथ करने का एक मौका दो, उसे नई नई स्किल्स सिखाते रहो जिससे उसकी ग्रोथ हो. पैसा मिल जाए लाइफ में, ग्रोथ मिल जाए और थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मिल जाए. रिस्पेक्ट कहाँ मिले, पीयर रिकॉग्नाइजेशन. पीयर रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, कंपनी के आपस के लोगों में रिकॉग्नाइजेशन मिल जाए, सोसाइटी में थोड़ी बहुत रिकॉग्नाइजेशन मिल जाए कि ये बंदा यहाँ पे काम करता है. बस हो गया. एक एम्प्लॉय को क्या चाहिए, पैसा दे दो यार थोड़ा बहुत उसे, तो उसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव सैलरी. ग्रोथ करने का ऑप्शन दो, जिसके लिए उसकी ट्रेनिंग वगैरह कराओ तो उसकी ग्रोथ होगी, वो नई स्किल्स सीखेगा तो उसको ग्रोथ हो जाएगी. ऐसी पीयर रिकॉग्नाइजेशन एंड सोशल रिकॉग्नाइजेशन. देखो उन्हें फेयर डील दो. फेयर डील देने का मतलब क्या है बेटा, उन्हें सही से सैलरी दे दो. यार इतनी मेहनत करके बंदा आपके लिए काम करता है तो सैलरी तो सही दे दो ना. उसके उसमें डेवलप करो, क्या डेवलप करो, नई स्किल्स और एबिलिटीज. ऐसा क्लाइमेट दो जिससे कि उसकी ग्रोथ हो सके बेटा. उसकी जॉब कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाओ. एक एक काम करके बंदा बोर हो जाता है लाइफ में, तो उसकी जॉब ऐसे बनाओ जिससे कि उसकी जॉब इंटरेस्टिंग हो जाए. और एम्प्लॉयज़ को एक अपॉर्चुनिटी भी दो कि वो किस में पार्टिसिपेट कर सके, डिसीजन मेकिंग, मेनली ऐसे डिसीजंस में जिससे कि उस पर अफेक्ट आ रहा हो. बेटा अगर आप किसी को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट देते हो तो वो बंदा खुश हो जाता है कि यार मेरे से पूछा, मेरी वैल्यू है कंपनी में. तो ये हो गया ह्यूमन ऑब्जेक्टिव. भैया बहुत ईजी थे, सोशल कम्प्लीट, ह्यूमन कम्प्लीट, ऑर्गेनिक भी कम्प्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और अब एक खाली क्या रह गया, नेशनल ऑब्जेक्टिव. नेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है बेटा, जिस देश का रोटी कपड़ा मकान यूज़ कर रहे हो तो उस नेशन के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बताओ बेटा. आज क्या करना पड़ेगा, हाँ भैया बिल्कुल करना पड़ेगा, हम तो ज़रूर करेंगे. उस नेशन के लिए तो बहुत करना चाहिए. क्या करना चाहिए बेटा, ऐसी गुड्स और सर्विसेज बनाया करो जो सोसाइटी की डिमांड हो. जैसे इस समय सोसाइटी की डिमांड थी कोरोना वायरस में कि हमें PPE किट्स बनाने हैं, मास्क बनाने हैं, सैनिटाइज़र बनाने हैं, तो सारी कंपनीज ने अपने प्रोडक्शन वहीं पे शिफ्ट कर दी कि नेशन इस समय ये चाहता है. अंबानी जी ने तो एक डूबती हुई इंडस्ट्री को ले लिया, उसका नाम इलोक इंडस्ट्री है. वो बिल्कुल इंडस्ट्री डूब रही थी, ख़त्म थी, तो अंबानी जी ने उस इंडस्ट्री को टेक ओवर करके PPE किट्स बनाना यूज़ कर दिया. पहले हम PPE किट्स बिल्कुल भी नहीं बना पा रहे थे, और आज के दिन इंडिया में शायद 1 लाख या 2 लाख PPE किट्स बन रही हैं. तो बेटा देखो, इसे कहते हैं नेशन के लिए काम करना. आप अपने सारे रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल उस चीज़ के लिए लगा रहे हो जो इकोनॉमी के लिए इस समय मोस्ट अर्जेंट है, ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखा कि आप नेशन प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग गुड्स प्रोड्यूस करो. आप कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश करो. आजकल तो बहुत डिस्कशन हो रहा है मोदी जी ने, तो आत्मनिर्भर बनो बहुत ज़रूरी है. चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो, अपनी कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाओ. बातों में ही नहीं, अब करना है बेटा. ये इस समय नीड ऑफ आर है कि आपको सेल्फ रिलायंट होना, यही नेशनल ऑब्जेक्टिव है. आप इनइक्वालिटीज़ को कम करो. यार ये
जेंडर जो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर खत्म करो भाई, नेशन के बारे में सोचो, हम कास्ट के ऊपर, बेटा इंडिया में इतनी लड़ाई होती है हर साल, इतनी लड़ाई होती है कास्ट के बेसिस पे, उसे ख़त्म करनी है हमें, हमें सबको फेयर अपॉर्चुनिटी देनी है और हमें अपने यंग मैन को ट्रेनिंग देनी है, उन्हें ऐसे डेवलप करने कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमारा क्या दे सके, मदद कर सके, ये बहुत ज़रूरी है। हम बेटा आप हमारी यंग जनरेशन हो, जितने ज़्यादा आप टैलेंटेड होंगे, जितनी आप में नॉलेज होगी, इंडिया उतने ग्रो करेगा, इस बात को याद रखना बेटा, ठीक है। तो आज हमने ऑलमोस्ट सारे ऑब्जेक्टिव कर लिए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद ये नीचे कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं कि ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड कर लिए, लेकिन इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो इसके नीचे वो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं कि एक एंटरप्रेन्योर को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी कॉन्स्टेंट फेस करने पड़ेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेटा। थैंक यू।